हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कुणाल गुरानी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी अभी करंट लोन ली हो तो उसका डेफिनेटली आप ईएमआई भरते होंगे, राइट? तो इस ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट का। तो आखिर ये होते क्या है? इसके अलावा आप डिपॉजिट्स की अगर बात करें, लाइक सेविंग में सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो गया, और भी अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन डिपॉजिट, तो इनके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आखिर ये इंटरेस्ट होता क्या है, राइट? और इसमें जो दो टाइप्स है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बिकॉज अगर इससे अच्छे से हमने समझ लिया और इससे हमने डिसिप्लिनली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो डेफिनेटली हमारा अच्छा एक वेल्थ बन सकता है फ्यूचर में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में। पहले मैं समझाऊंगा इन टर्म्स ऑफ लोन, फिर मैं समझाऊंगा इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। अब लोन की अगर हम बात करें, तो लेट्स से आप कोई भी अगर लोन लें बैंक से, तो वो अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख की लोन ली है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एज अ होम लोन, राइट? तो अब इसे पे करना है आपको 10 साल में। तो आपकी जो ईएमआई आएगी उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा प्रिंसिपल का, दूसरा होगा इंटरेस्ट का। और ये जो प्रिंसिपल पार्ट है वो है आपका लोन अमाउंट, जो 10 लाख आपने ली है वो कवर होगा इससे, प्रिंसिपल से। दूसरा जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर अप्लाई होगा, बैंक आपसे रिकवर करेगी, वो होगा इंटरेस्ट पार्ट ईएमआई में, राइट? तो आपकी ईएमआई में दो पार्ट होंगे, एक तो होगा प्रिंसिपल का जो आपकी ओरिजिनल लोन अमाउंट है उसके ऊपर, और दूसरा होगा इंटरेस्ट का जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा लोन अमाउंट पे, राइट? तो सिंपली अगर आपको प्रिंसिपल को डिफाइन करना हो, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आपकी एक ओरिजिनल लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट है, ठीक है? और इन दोनों को मिला के आपकी बनती है मंथली ईएमआई जो डिस्ट्रीब्यूट होती है 10 सालों में, राइट? ये था एक पहला एग्जाम्पल। अब ईएमआई को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये ईएमआई इनिशियल मंथ में, यानी इनिशियल पीरियड में, उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल का पोर्शन कम होता है। एज एंड व्हेन आपकी ईएमआई बढ़ती जाती है और पीरियड बढ़ता जाता है, तो एंड में आपका प्रिंसिपल पार्ट बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट पार्ट कम होता जाता है, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट देखिए इसमें कि इनिशियली पहले इंटरेस्ट पार्ट ज़्यादा था ईएमआई में, और जैसे जैसे लोन हम पे करते जाते उस वक्त इंटरेस्ट फिर कम हो जाता है और प्रिंसिपल बढ़ जाता है, और एट दी एंड हमारा दोनों का पेमेंट हो जाता है, राइट? तो ये होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लोन। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स, डिपॉजिट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, दूसरा फिक्स डिपॉजिट हो गया, तीसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, रिकरिंग अकाउंट हो गया। अब इन सब अकाउंट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? तो ये इंटरेस्ट क्या होता है इस केस में, कि लेट से आपने 10 लाख की एफडी करवाई कोई भी बैंक में, जिसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? तो ये 10 लाख का जो पोर्शन है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो 8% का इंटरेस्ट जो 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा वो है आपका इंटरेस्ट पार्ट। तो इंटरेस्ट रेट है वो सालाना कैलकुलेट होता है, इट्स अ पर एनम, राइट? जो 8% आपको जो मिल रहा है वो साल का है। तो अगर हम 10 लाख के ऊपर 8% कैलकुलेट करेंगे, तो वो कुछ बनेगा हमारा 80,000। तो साल के एंड में, राइट, जब आपकी एफडी का मैच्योरिटी खत्म होता है एक साल में, तो आपको मिलेगा 10 लाख प्लस 80,000 एज अ इंटरेस्ट। तो ये था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, राइट? अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में 1 लाख की एफडी करवा रहे हैं 3 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो आपको हर साल आपके अकाउंट में 3 साल के लिए 10,000 मिलेगा, राइट? तो टोटल आपको अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट का यहाँ पे 30,000 प्लस आपने जो 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाया वो, तो टोटल आपका बन जाता है 1,30,000, राइट? मीन्स यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही कैलकुलेट किया गया है, राइट? फ्रेंड्स, अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट रियली इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है प्रिंसिपल के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर, मीन्स दोनों के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है।
जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता था। अब इसे समझने के लिए लेंगे सेम एग्जांपल जो हमने सिंपल में लिया, मींस फिक्स डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट फॉर 1 लाख 10% इंटरेस्ट के ऊपर और 3 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 का, और सेकेंड ईयर में आपको, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11,000 का, बिकॉज आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 लाख जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर, प्लस जो आपने 1 साल में 10,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उसके ऊपर, मीन्स 1,000, तो टोटल बन जाता है 11,000, राइट। अब आइए थर्ड ईयर में, जब थर्ड ईयर में आप आएंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख के ऊपर जो आपकी इनिशियल फिक्स डिपॉजिट अमाउंट थी, जो फर्स्ट ईयर का आपका 10,000 का इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी कैलकुलेट होगा, और जो आपने सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट अर्न किया 11,000 उसके ऊपर भी कैलकुलेट किया जाएगा। अब इन तीनों का टोटल किया जाए तो वो कुछ होता है 1,23,000। तो थर्ड ईयर में, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको मिलेगा टोटल 12,300, राइट। और अगर टोटल इन सबका किया जाए तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो है 1,35,300, राइट। मीन्स यहाँ पर आपको, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको 5,300 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज आपने इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट अर्न किया है। तो इसे कहते हैं एक मैजिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, हमने एग्जांपल में सिर्फ 3 साल लिए हैं, अगर आप अपने 3 साल से और एक्सटेंड कर लेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, मीन्स आप 10 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है एज पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाता है, राइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो इस वीडियो को लेके, डेफिनेटली आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, राइट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।